गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एलआर का, कोडिंग और डिकोडिंग। डिकोडिंग कहने को तो बेटा ये चैप्टर एक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर की लिंक आपको बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर मिलने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि आपके करीब 6 to 7 चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज्ड होंगे। तो नाम भले इस चैप्टर का एक ही है, कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन इसके अंदर बेटा हम कई चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। मतलब ये मान के चलना आपके 6 to 7 चैप्टर कवर करवाएगा। चले yes, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी कोडिंग डिकोडिंग को। तो उससे पहले एक काम करता हूँ, लोग जब तक आ रहे हैं तब तक एक आप वीडियो देखो, तब तक आ रहे हैं। जस्ट मैं रुकना। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर यार है? अच्छा एक बात बताइए, ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। अच्छा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए, अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? अच्छा फुक्कर साला उधर यहां से। बड़ी जाती हो गई भैया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। इस चैप्टर के अंदर भी बेटा हमको यही करना है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, सॉरी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ भी बेटा हमको क्या करना है, कुछ कोड हैं उनको तोड़ना है। कोड को तोड़ना क्या कहलाएगा बेटा? डिकोडिंग करना। क्या कहलाएगा? डिकोडिंग करना। डिकोडिंग करना बेटा, ये रेडमी करके जिसका भी मोबाइल है उससे बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है। रेडमी। हाँ देखें बेटा, तो हमने आपसे बात की कि बेटा इसके अंदर भी हम कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी हमको कोडिंग और डिकोडिंग को समझना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं बेटा कोडिंग की। कोडिंग का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मीनिंगफुल वर्ड, एक ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोडिंग वर्ड। कोडिंग। कोडिंग।
जिसका क्या नहीं है बेटा, कोई मीनिंग नहीं, नहीं। उसको बोलते हैं दैट इज योर कोडेड वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्वाति लिखा था, इसकी मैंने कोडिंग कर दी। कैसे? मैंने जो वर्ड लिखे हैं उसमें प्लस वन कर दिया, मतलब एस की जगह टी लिख रहा हूं, डब्ल्यू की जगह एक्स लिख दिया, ए की जगह बी लिख दिया, टी की जगह यू लिख दिया और आई की जगह जे लिख दिया। तो ये एक वर्ड बन गया टैक्स बुझ। अब बताएं बेटा ये क्या बन गया, टी एक्स बी यू जे। ये जो वर्ड है दे आर कोडेड वर्ड। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा इसका। लेकिन अगर मैं इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाऊं, मतलब इस कोड को तोड़ करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो जब आप तोड़ दोगे उसको तो उसको बोलते हैं बेटा डिकोडिंग करना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। मतलब एक ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं था, आपने उसको एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, डिकोडिंग करना। उसको हम क्या बोलेंगे, डिकोडिंग करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बेटा ये टी एक्स बी यू जे दिया था, आप इसमें से क्या कर दो, माइनस माइनस वन कर दो, क्योंकि उधर प्लस वन हुआ था, तो अब मैंने माइनस वन कर दिया, तो मेरे को एक मीनिंगफुल वर्ड मिल गया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो जब हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड को नॉन मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोडिंग करना, कोडिंग। और जब एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड को हम मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। समझ में आया सबको? यस सर। तो इस चैप्टर के अंदर हमको बेटा कुछ वर्ड मिलेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो हमेशा कोडेड फॉर्म में होंगे। उस कोडेड फॉर्म को हमको डिकोड करना सीखना है कि उसकी डिकोडिंग कैसे होगी। मतलब वही, जब तक कोडेड वर्ड टूटे नहीं तब तक आपको छोड़ना नहीं है, अपने कॉम्बिनेशंस लगाते रहना है, तो ही जाके बेटा इस चैप्टर के अंदर हम प्रॉपरली इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी यहां क्लियर कर रहा हूं, आप वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले याद रखेंगे, उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। सर कौन कौन से पॉइंट आप हमको बताने वाले हैं? तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है बेटा इंग्लिश अल्फाबेट। आपको इंग्लिश अल्फाबेट याद होना चाहिए। सर सर ये तो हमको याद है बेटा, याद है अच्छी बात है, लेकिन इनकी नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, नंबरिंग याद होना चाहिए, बैकवर्ड ऑर्डर में भी और फॉरवर्ड ऑर्डर में भी, दोनों ऑर्डर में आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। फॉरवर्ड ऑर्डर का मतलब है बेटा लेफ्ट टू राइट, आपको लेफ्ट से राइट की नंबरिंग भी याद होना चाहिए और राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग भी याद होना चाहिए, दैट इज बैकवर्ड ऑर्डर। तो जब भी बेटा मैं आपसे बोलूं लेफ्ट टू राइट, ये नंबरिंग आपको क्या कहलाएगी बेटा, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन। और अगर मैं इसका उल्टा बोलूं बेटा बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन, मतलब आपको समझ में आ गया होगा राइट टू लेफ्ट, तो ये आपका कहलाएगा बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन, बैकवर्ड ऑर्डर। आपको ये याद होना चाहिए नंबरिंग। नंबरिंग मतलब सर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं एन की वैल्यू क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि एन की वैल्यू अगर हम बैकवर्ड ऑर्डर में देखें तो 13 है और फॉरवर्ड ऑर्डर में देखें तो 14 है। ये नंबरिंग आपको याद करना है। ये नंबर अगर आपको याद होंगे तो ही बेटा आप कोडिंग और डीकोडिंग चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ये चैप्टर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, बस ये नंबर एक बार दिमाग में बैठ जाए। तो सर ये नंबर कैसे याद करें बेटा? नंबर को याद करने का तरीका बहुत सारे हैं, उसमें से मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूं जो आपको पसंद आए, देख लें। सबसे पहले तो बेटा ये चार
नंबर तो पहले हम याद कर रहे हैं बेटा कौन सा फॉरवर्ड ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑर्डर मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट राइट। तो ये चार बेटा ए बी सी डी के नंबर तो आपको याद रहेंगे क्योंकि ए की वैल्यू क्या है बेटा, ये सबसे पहला अल्फाबेट है तो वन होगी, बी की वैल्यू टू होगी, सी की वैल्यू थ्री और डी की वैल्यू कितनी होगी फोर। ये तो सबको याद है, क्लियर? यस। वन टू थ्री फोर तक तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं अभी पूछूं कि ए की वैल्यू क्या है तो हर कोई बोल देगा वन, टू की बी की वैल्यू क्या है तो टू, सी की वैल्यू थ्री, डी की वैल्यू फोर। ये तो सभी को याद। सेम बेटा सेम यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आपको याद है। एक्स वाई जेड टोटल बेटा काउंटिंग नंबर आपको पता है 26 होते हैं, तो जेड की वैल्यू अगर 26 है तो वाई की वैल्यू 25 होगी, एक्स की वैल्यू 24। तो बेटा आप देखो 26 में से 7 वर्ड तो आपको याद हो गए, अब बच गए 19 वर्ड, उनको कैसे याद करें? तो एक तो बेटा हम याद कर लेते हैं 5 के मल्टीपल वाले लेटर, 5 के मल्टीपल वाले लेटर आपको याद हो जाएंगे इजोति से। इजोति के अंदर बेटा आप देखें तो ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 25। याद कर लो इजोति, इजोति का मतलब क्या हो गया बेटा 5 के मल्टीपल वाले लेटर, ई जे ओ टी और वाई में 5 के मल्टीपल वाले लेटर ही आते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये भी बेटा आपको कुछ वर्ड याद और हो गए। देखा जाए तो 5 और हमने याद कर लिए लेटर, बोलो यस सर। तो इज्योति के थ्रू हमको बेटा 5 लेटर और याद हो जाएंगे, इनके नंबर याद हो जाएंगे। अगर जे आ रहा है तो बेटा 10 होगा, ओ आ रहा है तो 15 होगा, टी आ रहा है तो 20 होगा, वाई आ रहा है तो 25 होगा। इसके बाद बेटा आप एक और 3 के मल्टीपल वाले लेटर और याद कर रहे हो सिफ्लोरेक्स के थ्रू। सिफ्लोरेक्स मतलब एक तरह की ऐसा लग रहा है जैसे टेबलेट हो, बट ठीक है इसके थ्रू याद रखोगे तो बट 3 के मल्टीपल वाले लेटर भी याद हो जाएंगे, जैसे सी फॉर 3, एफ फॉर 6, आई फॉर 9, एल फॉर 12, ओ फॉर 15, आर फॉर 18, यू फॉर 21 और एक्स फॉर 24। ये सिप्लोरेक्स याद रख लो तो बेटा इससे आपको 3 के मल्टीपल वाले लेटर भी याद हो जाएंगे। तो आप देखें बेटा दो वर्ड याद कर लें, इजोति और सिप्लोरेक्स, इससे आपको नंबर याद करने में आसानी हो जाएगी कि किसका नंबर क्या होगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं हम चाहें तो लेटर, लेकिन इसमें भी बेटा हम कई बार भूल जाते हैं लेटर, तो उसका भी एक सरल तरीका है। हम क्या करें बेटा लेटर के लिए और भी अच्छे तरीके से याद करने के लिए हम एक काम करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिससे लेटर को देखते ही हमको नंबर समझ में आए। इसमें तो बेटा आप वर्ड में सोचना पड़ेगा, इज्योति में ओ आ रहा है, ओ मतलब 15 होगा, सोचना पड़ेगा। बट हम उसका भी एक तरीका, उससे भी सरल तरीका हम समझ सकते हैं, जैसे एफ, तो हम एफ फॉर फिक्स सिक्स ऐसा याद रख सकते हैं, एफ फॉर फिक्स सिक्स, क्लियर? हेलो यस सर। या एफ को देखते ही बेटा आप देखें तो एफ को अगर मैं यहां से मिला दूं और इसको उल्टा कर दूं तो क्या ये बेटा सिक्स बन जाएगा कि नहीं? यस सर। तो एफ को एफ देखें तो एफ में आपको सिक्स नजर आना चाहिए। आज के बाद एफ के अंदर आपको क्या नजर आना चाहिए, फटाफट बोलो, सिक्स। जी के अंदर तो 7 दिखता ही है बेटा, जी में हमको 7 दिखता ही है। जी जब बनाते हो आप तो इस तरह से बनाते हो कि नहीं? यस सर। एक बार मैं इधर काट दूं तो जी के साथ ऑलरेडी 7 लगा हुआ है, तो जी दिखे तो इसका मतलब ये क्या है, फटाफट बोलो, 7। तो जी के साथ तो 7 दिखता ही है, तो जी मतलब 7, एफ मतलब 6, क्लियर? एफ फिक्स सिक्स, एफ मतलब 6, या एफ को देखो तो बेटा उसमें 6 नजर आ रहा है, ठीक है? हेलो एच, एच को हम देखें तो उसमें बेटा 8 दिखता है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो एच मतलब 8, एच मतलब 8। एट आई को बेटा हम 9 बनाते ही थे,
आई बेटा ऐसे ही बनाते हैं हम देखा जाए तो, बनाते हैं कि नहीं? यस सर। आई में बेटा नाइन दिखता ही है, तो अब बताएं बेटा ये ज्यादा सही तरीका होता है लेटर को याद करने का कि आप उनके फॉर्मेट में नंबर अपने फिट कर लो, तो बहुत इजीली बेटा हम कोडिंग डिकोडिंग को कर सकते हैं। तो आप नंबर इस तरह से याद रखो कि वो हमको याद ही हो जाए। जैसे मैंने आपसे बोला F फिक्स सिक्स, G में सेवन दिखते ही है, H एट, I नाइन, या फिर I नो बोल सकते हो, तो हिंदी में नो का मतलब नाइन होता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो? यस सर। तो ये आपको दिख रहा है। G टेन, G में टेन कैसे दिखेगा सर? G में टेन कैसे दिखेगा बेटा? ई ज्योति का J, J का हो क्या होगा बेटा? टेन, बोलो। हेलो, यस सर। यस सर। या बेटा आप इसको थोड़ा सा, ये आपका J था, J के अंदर मैं इस तरह से कर दूं तो आप मेरे को बताओ ये वन हो गया और ये जीरो हो गया, तो अपने आप क्या दिख रहा है? फटाफट बोलो। टेन, टेन। क्लियर? तो J में हमको क्या दिख रहा है बेटा? टेन, टेन। अब बताएं A की वैल्यू क्या हो गई? A की वैल्यू वन, B की वैल्यू टू, C की वैल्यू थ्री, D की वैल्यू टू फोर, E की वैल्यू फाइव। ज्योति का ई है तो फाइव याद रहेगा इतना तो। yes, उसके बाद F, F का मतलब फिक्स सिक्स, G में सेवन दिखता ही है, सेवन दिखता है, H में एट दिखता है, I में नाइन, I नो, याद रहेगा। yes, और J फॉर टेन, क्यों? क्योंकि ज्योति ज्योति टेन मल्टीपल के मल्टीपल्स। यस बोलो। Yes, sir. इसके बाद हम चलते हैं बेटा के पर। तो बेटा के को आप याद रख लो किंग्स इलेवन, आपको पता है किंग्स इलेवन? यस सर, किंग्स इलेवन पंजाब। तो किंग्स इलेवन से याद रख सकते हैं के फॉर किंग्स इलेवन। क्लियर? तो इलेवन हमको याद रहेगा, बोलो। यस सर। के फॉर किंग्स इलेवन याद रहेगा। यस सर। यस सर। एल, एल को आप याद रख सकते हो बेटा, लॉयन को देखते ही 12 बज गए, 12 बज गए, 12। बोलो। यस सर। लॉयन को देखते ही क्या बज गए? 12 बज गए। तो हम याद रख सकते हैं एल फॉर 12, एल फॉर 12। एम, एम में बेटा 3 तो नजर आ ही रहा है, एम में क्या नजर आ रहा है? 3। तो वन और लिखते हैं तो बेटा वो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13। या ऐसा याद रख लो, मैं 13, एम मतलब मैं 13 याद रहेगा। या फिर एम को देखते बेटा 3 नजर आ रहा है, और एम जो है बेटा 3 वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि 3 सी की है, तो एम को हम थोड़ा सा घुमा दें तो वो 13 बन जाएगा। एन में बेटा रोमन लेटर का 14 दिखता है, ये देखें ये वन और ये फोर दिख रहा है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो एन को हम 14 के रूप में याद रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, बोलो। यस सर। रोमन लेटर का फोर दिख रहा है तो हम 14 बोल सकते हैं, तो एन मींस 14, ये भी हमको क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा? यस सर। ओ को कैसे याद रखें? तो हम ऐसा याद रख लेते हैं कि बेटा ओ को 15 साल के बच्चों को हम ORS पिलाते हैं, 15 साल के बच्चे को क्या पिलाएंगे? ORS। बोलो, याद रहेगा? यस सर। सर ये 15 साल का नहीं, ये तो बहुत छोटा दिख रहा होगा बेटा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो O को ORS से याद रख लो। ORS कितने साल के बच्चे को पिलाना है आपको? 15 साल के बच्चे को पिलाना है सीधा, ठीक है? ठीक है सर। हेलो। Yes, sir. या ई ज्योति में ओ, ई ज्योति में ओ आ रहा था कि नहीं? तो ओ की वैल्यू फिफ्टीन तो नहीं है, आ रहा था सर। यस सर। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इधर बेटा प्रिंस और क्यून को याद रख लो। प्रिंस छोटा है, क्यून बड़ी है। 16 साल के प्रिंस की शादी किससे होने वाली है? 17 साल से। ठीक है? यस सर। ऐसा मान लो यहाँ सचिन तेंदुलकर की शादी हो रही है, ठीक है? अंजलि, ठीक? बोलो, याद रहेगा? Yes, yes, yes,
आर का मतलब बेटा राइट, और बोटिंग राइट कितने समय में मिलता है बताएगा कोई मेरे को? बोटिंग राइट कब मिलता है? 18 इयर्स में। तो आर फॉर राइट, राइट किसका? बोटिंग राइट। बोटिंग राइट हमको कब मिलेगा? 18 साल। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 18। यस सर। बोलो। यस सर। एस को देखो तो बेटा, एस में 9 तो नजर आ ही रहा है, आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो एस में 9 तो नजर आ ही रहा है बेटा, तो 1 लिख देंगे तो 19 हो जाएगा। और टी तो बेटा दुनिया भर को याद है, T20। यस सर। बोलो। यस सर। तो हम याद रख सकते हैं। अब बताएं बेटा, यहाँ तक याद हो गया कि नहीं? यस सर। Yes. हम बात करते हैं बेटा यूर भी की। तो यू भी ने 21-22 की उम्र में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, हम ऐसा याद रख सकते हैं। यू भी ने 21-22 की उम्र में क्रिकेट खेलना चालू किया था, ठीक है? Yes, बोलो। यस सर। यू भी ने कब चालू किया था? जब उसकी एज क्या थी? 21-22 की। तो 21-22 की एज में उसने क्रिकेट खेलना चालू किया था। अब बताओ बेटा, यू भी तक पहुंच गए, उसके बाद बताएं बेटा वी के बाद क्या लिखना है हमको? फटाफट बोलो, वी के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू तो बेटा हमको डब्ल्यू में 3 नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। 3 हो जाएगा, और एक्स वाई और जेड की वैल्यू तो हमको पता है, क्लियर? यस। अब बताएं बेटा, याद हुए कुछ नंबर? चलो, तो हम कुछ नंबर्स यहाँ पर पूछते हैं, जरा हमको वो नंबर की कोडिंग समझना। जैसे मैं आपसे बोलूं के, किंग्स 11, जैसे मैं बोला के तो क्या याद आना चाहिए? किंग्स 11। यू 21। यू भी, यू भी मतलब युवराज सिंह, युवराज सिंह और 22। बोलो। Yes, sir. L. 12. 12 बज गए। 12। O. 15 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। 15. ठीक है, 15. Yes, समझ में आया? Yes, sir. M. 13. N में तो बेटा 14 नजर आता ही है। Yes sir. 14. बोलो। Yes sir. G में क्या नजर आएगा? 7. P. Prince. 17. छोटा था बेटा, क्यों? 17 साल की थी। 16 और 17. 17. याद रहेगा? Yes sir. और अगर मैं बोलूं J, तो बताओ बेटा J? 10. ज्योति का 10, क्लियर? E, E का मतलब 5. याद हुआ? Yes sir. नंबरिंग याद हुई कि नहीं? Yes sir. तो सर ये नंबरिंग अगर हम याद कर लेंगे तो कोडिंग बन जाएगी बिल्कुल बेटा, आप आराम से डिकोड कर पाओगे अगर ये नंबर आपको याद हो गए तो। सर एग्जाम में हम एक काम करेंगे, ABCD जेड तक पूरी लिख लेंगे, 26 तक नंबर लिख लेंगे और कर लेंगे, कर लेना बेटा उसमें, लेकिन टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं है। तो ये नंबर हमको क्या होना चाहिए बेटा? याद होना चाहिए अगर हमको कोडिंग करना है तो। समझ में आया? यस सर। यस सर। कुछ नंबर आपको याद हुए? यस सर। चलो तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ, आप मेरे को उनके नंबरिंग बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, मान लेता है ये वर्ड लिखा हुआ है और इसके आपको नंबर बताना है, तो आप 15, 21 हो गया? Yes, sir. ये नंबर हमको बनना चाहिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर कुछ नंबर दिए हो तो हमको नाम वो दिए हो तो हमको नंबर्स बनना चाहिए, क्लियर? Yes, sir. बनेंगे नंबर? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो ये दिया हुआ है हीटर, बताएं बेटा एट, H की वैल्यू एट को देखते हैं दिख रहा है 128 5 125 120
18 वोटिंग राइट. समझ में आया? यस सर. या आर में बेटा आपको 8 भी नजर आ सकता है, आ रहा है कि नहीं? यस सर. यस सर. तो हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं. बोलो. यस सर. यस सर. तो क्या ये नंबर याद रहेंगे? यस सर. यस सर. चलें तो कुछ नंबरिंग तो बेटा आपको याद हुई. कल और अच्छी याद करके मेरे को सुनाना है आपको. मैं किसी से भी कोई भी नाम पूछूंगा, वो नंबर तुरंत आना चाहिए. ठीक है? ओके सर. दूसरी इम्पोर्टेंट बात बेटा, ये तो हो गए हमारे नंबर कौन से वाले जो हमने क्या किए हैं, फटाफट बोलो. फॉरवर्ड लेटर में याद किए. यस. अब बैकवर्ड वैल्यू निकालना है. कौन सी वैल्यू बेटा? बैकवर्ड. बैकवर्ड. बैकवर्ड वैल्यू निकालने का तरीका बहुत इजी है. आपको बेटा फॉरवर्ड नंबर याद है तो बैकवर्ड आप निकाल सकते हो. क्या करना है? बैकवर्ड वैल्यू इक्वल टू, एक फॉर्मूला याद रखो, बैकवर्ड वैल्यू इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड वैल्यू. 27 माइनस फॉरवर्ड. 27 में से फॉरवर्ड वैल्यू माइनस कर देना, बैकवर्ड वैल्यू अपने आप आ जाएगी. सर कैसे, जरा समझाओ. जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, के की वैल्यू कितनी थी? फॉरवर्ड वैल्यू 11. तो आप जरा 27 में से 11 माइनस करो, कितना बचा? 16 आ गया. बोलो. यस सर. आ गई 16? यस सर. पी की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू कितनी थी बेटा? 16. तो बेटा 27 में से अगर मैं 16 माइनस करूं तो 11. देखिए बेटा फॉरवर्ड वैल्यू 11 है, सॉरी बैकवर्ड वैल्यू 11 है. यस सर. फॉर्मूला नोट डाउन कर लो बेटा. क्या फॉर्मूला हो गया, फटाफट बोलो. फॉर्मूला क्या हो गया? बैकवर्ड वैल्यू इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड वैल्यू. तो बैकवर्ड वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी, उसके लिए अलग से हमको रटने की जरूरत नहीं नहीं है. हम आराम से बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं. बोलो. यस सर. इज दैट क्लियर? यस सर. तो फॉर्मूला सबको याद रहेगा? Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? 27 माइनस फॉरवर्ड वैल्यू इज इक्वल टू बैकवर्ड वैल्यू. ठीक. जेड की वैल्यू निकालना है, 27 माइनस 26 1 होगी. के की वैल्यू निकाल ली, टी की निकाल ली, पी की निकाल ली, ओ की निकाल ली. किसी भी लेटर के हम रिवर्स नंबर को याद रख सकते हैं. क्लियर? तो रिवर्स नंबर इक्वल टू 27 माइनस ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, बनेगा करते. अब इसके अलावा आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा, कि ये जो लेटर ये टोटल मिला के कितने हैं बेटा? 26 जो लेटर हैं, अगर मैं इनको आधा आधा बांट दूं, आधा आधा बांट दूं, तो टोटल लेटर हो जाएंगे बेटा 13 13. बोलो. यस सर. यस सर. टोटल लेटर कितने हो जाएंगे? 13. 13. तो 13 लेटर कहाँ तक जाते हैं बेटा? 13 लेटर कहाँ तक जाते हैं? M. कहाँ तक जाते हैं बेटा? M. M. M तक. M जो होता है बेटा, उसकी वैल्यू 13 होती है कि नहीं? Yes. Yes sir. और N से बेटा वापस से कितने लेटर और होते हैं? 13. 13. तो अगर मैं इनको रिवर्स लेटर में लिख दूं, रिवर्स अपोजिट, 13-13 का अपोजिट कर दूं, मतलब पहले मैं इस तरह से लिखूं एम तक और फिर बेटा वापस से जेड तक लिख दूं, तो यहां पर ए की वैल्यू जेड भी हो सकती है, बी की वैल्यू वाई भी हो सकती है, सी की वैल्यू एक्स भी हो सकती है, डी की वैल्यू डब्ल्यू भी हो सकती है. क्या ये बात समझ में आई? बोलो. मतलब मैंने क्या किया बेटा, 13-13 के लेटर बांट करके रिवर्स कर दिए, तो इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स लेटर. क्या बोलते हैं? रिवर्स. तो एक हेडिंग डालो बेटा, रिवर्स लेटर. रिवर्स लेटर मतलब क्या, जैसे ए को मैं जेड भी बोल सकता हूं और जेड को ए भी बोल सकता हूं.
बी को वाई भी बोल सकता हूँ और y को p भी बोल सकता हूँ, r को i बोल सकता हूँ, i को r बोल सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. इसको बोलते हैं बेटा लेटर का रिवर्सल करना। तो कई बार कोडिंग डीकोडिंग के अंदर बेटा वो रिवर्सल कर देते हैं, नंबर ना लिख करके रिवर्स लेटर लिख देते हैं। जैसे मान लो मेरे को लिखना है g, तो g की जगह मैं कोडिंग में कौन सा वर्ड यूज कर दूंगा? टी। जी की जगह कौन सा वर्ड लिख दूंगा? टी। मतलब आपने रिवर्स लेटर यूज किया है। क्लियर? यस। हेलो। यस सर। जैसे जेड की वैल्यू 26 होती है और ए की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल टू 26, वी इक्वल टू 25। क्या ये बात समझ में आ रही? रिवर्स। यस सर। तो हमको क्या करना पड़ सकता बेटा? हमको ये भी याद होना चाहिए कि ए को जेड भी बोल सकते हैं, बी को वाई बोल सकते हैं, सी को एक्स बोल सकते हैं, डी को डब्ल्यू बोल सकते हैं, ई को वी बोल सकते हैं, एफ को यू बोल सकते हैं, जी को टी, एच को एस, आई को आर, जे को क्यू, के को पी, एल को ओ और एम को एन बोल सकते हैं। तो ये भी हमको याद होना चाहिए। सर ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? एक कहानी याद करो तो याद हो जाएगा। तो हम एक कहानी के थ्रू बेटा इसको याद रख सकते हैं। लिखें एक कहानी, नोट डाउन करें। कहानी क्या है? अजीज नाम का एक बॉय था। क्या था बेटा? अजीज नाम का क्या है बेटा? एक बॉय। बॉय। अजीज में देखें बेटा ए और जेड आ गया। यस सर। आपको स्टार्टिंग लेटर और लास्ट लेटर याद रखना है। अजीज नाम का एक बॉय था, वो क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था। बोलो याद हुआ इतनी कहानी? यस सर। अजीज नाम का एक बॉय क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था। अब बताओ अजीज में क्या आ गया? ए और जेड। बॉय में क्या आ गया? बी और वाई। क्रैक्स में क्या आ गया बेटा? C और X। और ड्यू में क्या आ गया? D और DW। याद रहेगा? तो अब जब yes, T याद आए तो D मतलब ड्यू, C मतलब क्रैक्स, मतलब बॉय और A मतलब अजीज। बोलो याद रहेगा? yes, तो मैंने बोला अजीज नाम का एक बॉय था, वो क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। उसकी एक फ्रेंड थी ईवी। उसकी एक फ्रेंड थी कौन? फटाफट बोलो। ईवी। उसकी फ्रेंड का नाम क्या था बेटा? ईवी। जो फालतू थी। फालतू में बेटा क्या आ गया? एफ और यू। जो फालतू थी पर अपने आप को ग्रेट समझती थी। थी फालतू बट अपने आप को क्या समझती थी? ग्रेट। ग्रेट। तो ग्रेट में क्या आ गया बेटा? जी और टी। टी। तो ईवी में आ गया बेटा ई और भी। फालतू में क्या आ गया? एफ और यू। एफ और यू। और ग्रेट समझती थी तो क्या आ गया बेटा? जी और टी। क्योंकि क्यों समझती थी बेटा वो अपने आप को ग्रेट? क्योंकि वो हायर सेकेंडरी पास थी और रेलवे की एग्जाम भी पास की थी बेटा उसने। इंडियन रेलवे की एग्जाम भी पास की थी। एक तो हायर सेकेंडरी पास थी और इंडियन रेलवे भी पास थी, ठीक है। इसलिए वो आपने आपको क्या समझती थी? ग्रेट। अब बताओ बेटा यहाँ तक अगर हम याद करें तो H, H से क्या याद आएगा? हायर सेकेंडरी। तो H और S। इंडियन रेलवे तो क्या आएगा? I का R। R। EV, E का भी तो है ही। फालतू F U। ग्रेट GT। बोलो याद रहेगा? Yes। अब बताएं बेटा यहाँ तक की स्टोरी को हम रिवाइज करते हैं। अजीज नाम का एक बॉय था जिसको जो क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, उसकी एक फ्रेंड थी कौन? ईवी, जो फालतू थी पर अपने आप को ग्रेट समझती थी क्योंकि वो हायर सेकेंडरी और इंडियन रेलवे पास थी, ठीक है। एक दिन वह जंगल क्यून वन के, कौन सी क्यून वन के बेटा? जंगल क्यून वन के कुर्ता पजामा पहन के
कुर्ता पजामा पहन के कानपुर की सड़क पर अपने लव अजीज मेन के पास आई। अपने लव अजीज मेन के पास आई, लव यू बोल, क्या बोलना है बेटा? लव यू बोलना है। तो अब बताओ बेटा, यहाँ से हमको जंगल क्वीन कुर्ता पजामा केपी लव यू में आ गया एल ओ, क्लियर, और मेन में क्या आ गया एम और एन। बोलो, इतना याद हुआ? Yes, sir. अब बेटा हम कोई भी वर्ड बोलें तो अब याद रख सकते हो। जैसे वो बोला डी, तो डी से आपको आना चाहिए ड्यू, तो डी का क्या होगा बेटा? डब्लू। फिर मैं बोलूं जी, तो जी से आना चाहिए ग्रेट, ग्रेट। एच हायर सेकेंडरी, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कुर्ता पजामा, एल लव, एम मैन। याद हुआ? Yes, sir. अब बताओ, ए जेड याद हुआ? अजीज, अजीज। बी वाई, सी फॉर ग्रेक्स, डी फॉर ड्यू, ड्यू। ई फॉर ईवी, एफ फॉर पालतू, जे फॉर ग्रेट, ग्रेट। एच फॉर हायर सेकेंडरी, आई फॉर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे फॉर जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। के फॉर कानपुर या कुर्ता पजामा, कुछ भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। L for love और M for man. याद हुआ? Yes sir. आप बताएं बेटा, ये भूलोगे क्या? No sir. याद हुए? Reverse letter याद कर पाओगे? Yes sir. Hello. Yes sir. सबको reverse letter याद हुए? Yes sir. चलो तो मैं आपसे reverse letter पूछ रहा हूँ, आप मेरे को reverse letter बताना। जैसे for example ये लिखा हुआ है, इसका रिवर्स लेटर बताओ। एच का रिवर्स लेटर, टी का जी, टी ग्रेट, जी ग्रेट, जी का बी, बी आर का आई, आर आई, आई आई इंडियन रेलवे। समझ में आया? Yes, sir. याद हुआ? Yes, sir. तो इस तरीके से बेटा हमको नंबरिंग की कोडिंग करना पड़ सकती है, तो बेटा ये कोडिंग के लिए हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए नंबर याद होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. चलो और बताना, मैं एक और लेटर यहाँ ले रहा हूँ। चलो ये लेते हैं होटल। बताएं बेटा होटल। H का S, O का B, O का L, O का L, L, T का G, G, T का V, T का V, T का V, G हाँ, L का V, G, L का G, L का V, O का V, L का V, याद रहेगा? Yes sir. बोलो। Yes sir. इस तरीके से बेटा आपको नंबरिंग याद रखना है। आई थिंक अब आपको नंबरिंग बन जाएगी, मेरे हिसाब से करते बनेगा। Yes. याद हुए कुछ वर्ड? सर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं बेटा तो आपसे ये बनना चाहिए, आई थिंक आप कर पाएंगे। पक्का? Yes, sir. चले आगे बढ़ते हैं अब जरा हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो ये था बेटा हमारे कुछ नंबर की कोडिंग डिकोडिंग करना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब बेटा हम क्वेश्चंस जो हैं इसकी सॉल्व कर पाएंगे, कोडिंग और डिकोडिंग को प्रॉपरली समझ पाएंगे, ठीक है? दो तरह की कोडिंग और डिकोडिंग होती है बेटा, एक होती है नंबरिंग बेस और एक होती है कैलकुलेशन बेस। कितने तरह से हो सकती है बेटा? दो, एक नंबरिंग बेस, हम नंबर की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, और दूसरा होती है बेटा कैलकुलेशंस बेस। कैलकुलेशन बेस मतलब सर, मतलब बेटा मैं कुछ कैलकुलेशंस लगा दूं, जैसे मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, टोटल ले लूं। क्या ये समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो।
तो कैलकुलेशन बेस हो सकती है। एक नंबरिंग, नंबरिंग मतलब मैं क्या करूं, प्लस वन जोड़ करके बेटा सबको कैलकुलेशन में ले लूं, रिवर्स लेटर यूज कर लूं, समझ में आ रहा कि नहीं? तो नंबरिंग बेस हो सकती है बेटा। नंबरिंग बेस कैलकुलेशन तो बहुत इजीली डिकोड हो जाते हैं। कैलकुलेशन बेस जो होते हैं बेटा वो तभी डिकोड हो पाते हैं जब उसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो बेटा आप कैलकुलेशन बेस जो भी कैलकुलेशंस होंगे उसकी डिकोडिंग प्रॉपरली कर पाओगे, नहीं तो डिकोडिंग में मजा नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर। तो वो डिकोडिंग बेटा कैलकुलेशन बेस करने के लिए हमको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगी। पैटर्न कुछ भी हो सकता है बेटा, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उन्होंने लेटर में प्लस वन कर रखा हो, प्लस टू कर रखा हो, प्लस वन टू थ्री कर रखा हो, माइनस कर रखे हो, मल्टीप्लाई कर रखे हो, प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ भी पैटर्न बना के कोड दिए जा सकते हैं। और जो भी कोड होंगे उसको आपको डिकोड करना है, और डिकोड तभी कर पाओगे जब ऊपर के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, नंबर याद होंगे, तो नहीं तो ये डिकोड नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? यस यस। एक और पॉइंट बेटा इसके अंदर कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को लेकर के भी है। कॉन्सोनेंट आपको पता है और वॉवल्स आपको पता है। वॉवल्स कितने होते हैं बेटा? फाइव। कौन कौन से? ई, आई, ओ, यू। और बाकी बचे हुए 21 क्या होते हैं बेटे? तो ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं बेटा। कई बार क्वेश्चन के अंदर वॉवल्स को यूज कर करके भी कोट कर देते हैं, तो हमको ये भी पता होना चाहिए। क्लियर? यस सर। याद रहेगा? यस सर। कॉन्सोनेंट कौन से, कितने नंबर हो गए? ए, आई, ओ, यू, उसके नंबर भी याद रखना है, 1, 5, 9, 15 और 20, 21। ठीक है, 1, 5, 9, 15 और 21। और इधर देखें बेटा तो 2, 3, 4, 6 इधर का तो कोई फिक्स ही नहीं है बेटा। आप ऊपर याद रखना 1, 5, 9, 15 और 21 वाले जो लेटर हैं, दे आर वॉवल्स, और बाकी बचे हुए क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। तो बेटा फिर हमको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। क्लियर? यस सर। ये था बेटा हमारा पैटर्न। यस सर। तो इस तरह से बेटा आप क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो कल मैं इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आपको आज क्या करना है समझ में आ गया होगा? बताओ बेटा आज आप क्या करोगे? ये सब पढ़ के आना है। ये सब पढ़ोगे? ठीक है, पढ़ लोगे ये सब? बाकी अपन कल मिलते हैं, पढ़ के आना इतना। ठीक है बेटा? हाँ बेटा। सर आप क्लॉक का टेस्ट नहीं ले रहे क्या? क्लॉक का टेस्ट लूंगा बेटा, कल ले लूं कि परसों ले लूं, कब ले लूं बताएं? कल ले लीजिए। परसों ले लूं? यस सर। एक दिन और पढ़ लो, क्लॉक पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, परसों आपका टेस्ट ले लेता हूँ। ठीक है? यस सर। टेस्ट उसी पे लूंगा बेटा मैं आपको। सर हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर पाते उस ऐप को? क्या बेटा? कहूँ तो ऐप जो कहूँ